तो बेसिकली अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा आज रिलेटेड टू KTM बाइक्स, वो आंसर हो जाना चाहिए। सो स्वागत है आपका इस व्लॉग में। अपनी पुरानी पब्लिक तो जानती है कि अपन कौन है, अ स्मॉल सिटी गाय विद सम बिग ड्रीम्स। यही बिग ड्रीम्स लेके मैं 10 साल पहले अपने गांव अकोला से मुंबई आया था। एक सपना था घूमने का। पढ़ाई लिखाई ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, जॉब है, पैशन है, एडवेंचर करने की भी खुजली है, बस एक अच्छी बाइक चाहिए जिस पे मैं हो सके उतनी दुनिया देख पाऊँ। वेल, बाइक लेने की वजह तो सिंपल थी, अपग्रेड, प्रोफेशनल राइडिंग और एक ड्रीम। माँ बाप की दुआ से और मेरी मेहनत से मैंने 25 सितंबर 2015 को मेरी दूसरी बाइक खरीदी, KTM ड्यूक 390। और क्या, निकल पड़ा ये इनसेन अपने सपने पूरे करने। धीरे धीरे यूट्यूब चैनल शुरू किया, राइड करता गया, वीडियोस डालता गया। आपके प्यार और मेरी थोड़ी मेहनत से देखते ही देखते 3 साल और 50,000 किलोमीटर हो गए। इन 50,000 किलोमीटर में अपन ने लगभग हर टाइप के रास्ते पे अपनी गाड़ी चलाई है, और अगर कुछ रह गया हो तो नॉट टू वरी, अभी हम जिंदा है। तो इस वीडियो में अपन तुमको अपनी बाइक का ओवरऑल एक्सपीरियंस बताएगा आफ्टर 50,000 किलोमीटर, ताकि ये वीडियो आपके कुछ काम आ सके। सो जब मैंने गाड़ी खरीदी थी, 50,000 किलोमीटर होने का मैंने एक सपना देखा था, और मैंने ये सोच लिया था कि 50,000 किलोमीटर होंगे तब मैं उसका वीडियो बनाऊंगा अबाउट माय ओनरशिप एक्सपीरियंस, ओनरशिप रिव्यू काइंड ऑफ। सो आज वो दिन है। रिसेंटली स्टैचू ऑफ यूनिटी के राइड में 50,000 किलोमीटर सक्सेसफुली आई हैव डन ऑन माय बेब आउट देयर। सो एक ये फीलिंग है ना, एक बाइकर ही समझ सकता है कि राइडिंग ऑल अराउंड द कंट्री फॉर 50,000 किलोमीटर्स इन 3 ईयर्स, व्हाट अ फीलिंग यार। एंड आई होप ये किलोमीटर्स क्लॉक बढ़ता जाए ऑल ओवर द लाइफ, जब तक हम ये सब कर सके। सो एनीवेज, ये वीडियो स्पेशली ये बाइक का एक ओनरशिप रिव्यू है, प्योर 100% अनबायस्ड है। जो है मैं बता रहा हूँ, जो अच्छी बात है हुई है, बुरी बात हुई है, जो कुछ भी हुआ है, आई एम शेयरिंग इट ऑल। तो बेसिकली अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा आज रिलेटेड टू KTM बाइक्स, वो आंसर हो जाना चाहिए। I'll try, yeah. So well, back in 2013 when Duke 390, this bike was launched, public हमारी पागल हो गई थी, completely पागल, because तभी इतनी powerful bike ये range में, affordable range में थी नहीं। You have to either directly buy a Kawasaki or maybe some other bike, Hoisung और couple of brands भी more थे जो चलते थे, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे। सो KTM ने जब ये बाइक मार्केट में लाई, सो दिस वॉज लाइक अ डील ब्रेकर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर इंक्लूडिंग मी। जैसी ये बाइक लॉन्च हुई, मैंने देखी, मैं 2 साल में रुका बाइक के लिए, थोड़ा पैसा वैसा जमा किया, एंड फाइनली वन फाइन डे ऑन 25th of September आई गॉट दिस बाइक 2015। एंड वेल बॉय ओ बॉय, वो दिन से आज का दिन है डिसम्बर 2018, 3 ईयर्स हो चुके हैं गाड़ी को, 50,000 किलोमीटर्स आर डन ऑन दिस मोटरसाइकिल, राइडिंग अक्रॉस इंडिया, साउथ इंडिया, मुंबई, कन्याकुमारी, बैंगलोर, साउथ के ऑल स्टेट्स, ऑल्सो नॉर्थ कपल ऑफ स्टेट्स लाइक राजस्थान एंड गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऑन ऑल द वे टिल नेपाल। एंड दिस ब्यूटी हैज़ गिवन मी होप्स टू राइड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। यस, ये बाइक ही कुछ वैसी है। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बाइक के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। 50,000 किलोमीटर हो चुके हैं, बहुत सारे टेरेन इस बाइक ने देखे हैं, बहुत गंदे रोड, बहुत अच्छे रोड, ऑल टाइप ऑफ रोड दिस बाइक एक्सपीरियंस्ड। सो सबसे पहले बात करेंगे हम ये बाइक का मेंटेनेंस सर्विस। यस, वेल KTM काफ़ी अफोर्डेबल मेंटेनेंस देता है, नो डाउट इन दैट। कुछ कुछ लोगों को एक्सपेंसिव लगेगा, बट देन व्हेन यू आर बाइंग अ परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल लाइक दिस, कंपेरेटिवली ये काफ़ी सस्ता है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। इफ़ यू आर गोइंग टू बाय अ कावासाकी और इफ़ यू आर गोइंग टू बाय एनी अदर ब्रांड, निंजा 300 लो या किसी वो रेंज की व्हीकल ले लो, उसका मेंटेनेंस इससे डबल है, फ्लैट डबल है। KTM का स्पेयर पार्ट्स आर वे टू चीपर, इजी टू इजीली अवेलेबल,
मोस्टली कहीं पे भी मिल जाएगा, रनिंग स्पेयर तो कहीं पे भी मिल जाएगा, अपार्ट कि आपका कुछ बहुत अजीब सा स्पेयर जो ज़्यादा चलता नहीं है, यू नो ज़्यादा वेयर एंड टेयर होता नहीं है, वो अगर गया दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, वो तो हर किसी ब्रांड का है। बट देन मुझे आज तक स्पेयर में कोई प्रॉब्लम आया नहीं ऑन दिस मोटरसाइकिल, टू बी वेरी फ्रैंक। अराउंड मैंने 9 सर्विस आज तक किए हैं, आई थिंक सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 9 सर्विस, एंड हर सर्विस का कॉस्ट मुझे अराउंड 3000 रुपीज़ आया है, कभी कम कभी ज़्यादा। नाउ इफ़ यू वॉन्ट टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सर्विस ऑफ एनी मोटरसाइकिल दैट यू हैव, आप शोरूम में बाइक वॉशिंग ना कराएं, चेन ल्यूबिंग और क्लीनिंग ना कराएं, बस वो आप खुद भी कर सकते हो, आपके फ्लैट 500 रुपये बच जाएंगे, 500 रुपये में ये बड़ा बम्बा आ जाता है यार चेन ल्यूब का। सो इन दैट 9 to 10 सर्विसेज दैट आई हैव डन टिल नाउ, मैंने काफ़ी चेंजेस किए हैं बाइक के इंटरनली, काफ़ी कंपोनेंट्स बदले हैं, कुछ कंपोनेंट्स कंपनी से ठीक ठाक नहीं आए थे, क्वालिटी इश्यूज़ थे, या कुछ कंपोनेंट्स वेयर एंड टेयर की वजह से गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने हर एक चीज़ का वीडियो बनाया है, बाइक मेंटेनेंस की एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है फॉर दिस बाइक, इफ़ यू हैव अ KTM बाइक देन यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट दैट प्लेलिस्ट, बिकॉज उसमें काफ़ी चीज़ें बताई गई है एंड करवाई गई है ऑन दिस मोटरसाइकिल, लाइक एयर फिल्टर बॉक्स रिप्लेसमेंट, चेन स्प्रॉकेट रिप्लेसमेंट, टैंक रिप्लेसमेंट, यू नो काफ़ी चीज़ें हैं। वेल अपार्ट फ्रॉम दैट ये बाइक के मैंने टायर्स चेंज किए हैं, सो दीज आर मिशेलिन पायलट स्ट्रीट रेडियल। सामने का टायर मैंने चेंज किया आई थिंक ऑन 32,000 किलोमीटर्स एंड रियर टायर चेंज इड ऑन 24,000 किलोमीटर्स। एंड इफ यू आर टॉकिंग कि मैंने ये मेरे पहले टायर चेंज है, सो उसके पहले जो था मेटजिला टायर जो यू नो ये बाइक के साथ आता है, आई चेंज द रियर टायर टू 24,000 किलोमीटर्स। यू वॉन्ट बिलीव इट, अगर आप मेटजिलर के बारे में जानते हो 24,000 किलोमीटर्स नहीं चलता है यार। वीडियो मैंने दोनों के बनाए हैं, झूठ लग रहा है तो आप चेक कर सकते हो। बहुत लोग पूछते हैं कितने किलोमीटर्स हो गए, मीटर पे दिखाओ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50,287। यस, सो दिस चेन स्प्रॉकेट, दिस इज़ द 2, 3, 4th चेन स्प्रॉकेट। सो बेसिकली जो कंपनी के साथ आता था दैट वन आई हैव चेंज इट 2 times एंड दिस इज द 3rd one। यस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यू नो KTM का मुझे एक थोड़ा डाउनसाइड लगता है कि इसका चेन स्प्रॉकेट थोड़ा जल्दी चला जाता है, थोड़ा लाइफ ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट कुछ नहीं कर सकते। सो अराउंड मैक्स टू मैक्स 15,000 किलोमीटर्स यू कैन डू, आई मीन यू कैन डू 20-25 ऑल्सो, बट देन वो चेन का आवाज़ आएगा खर 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 एंड परफॉर्मेंस इशू होता है। सो आई थिंक 15,000 पे आप लोग चेंज कर सकते हो, वैसे तो लाइफ इसकी 10,000 ही है, बट 15,000 तक मैं पर्सनली चला लेता हूँ एंड आई थिंक चल जाता है इफ़ यू मेंटेन इट, क्लीन इट प्रॉपरली एंड रेगुलरली ल्यूब इट। सो हम कर रहे थे खर्चे की बात। सो एयर फिल्टर बॉक्स का कॉस्ट अराउंड 3,000 के आसपास है। देन व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रेक पैड जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, चेन स्प्रॉकेट का कॉस्ट अराउंड 3,500 है। ऐसा कर करके गाड़ी का जो ओवरऑल कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। लाइक रिसेंटली मैंने जो नेपाल जाने के पहले मैंने क्लच केबल चेंज किया, इट वॉज जस्ट 250 rupees। सो दिस चीप इज KTM। इसका इंजन ऑयल जो है वो अराउंड इसको 1.5 liter इंजन लगता है ये मोटरसाइकिल को। सो अगर आप सोच रहे हो कि इंजन ऑयल कितना लगता है, 1.5 liter लगता है एंड 1250-1300 रुपये का इंजन ऑयल का प्राइस है। वेल अपार्ट फ्रॉम दैट KTM जो विक्रोली का सर्विस सेंटर है, दे हैव बीन वेरी जेनरस टू मी टिल नाउ। आज तक मैंने जो भी प्रॉब्लम वहाँ पे बताई है वो सब उन्होंने सॉल्व किए। खासकर राम भाई, ही इज़ द पर्सनल मैकेनिक ऑफ दिस मोटरसाइकिल, उनके अलावा मैं किसी को हाथ लगाने देता नहीं हूँ। आज तक मेरे बाइक को हाथ लगाया है वो राम भाई ने ही लगाया है एंड किसी ने नहीं लगाया। इनफैक्ट मैं खुद अपनी बाइक को ज़्यादा खोलता नहीं हूँ, आई ट्रस्ट राम भाई फॉर दैट। सो बेसिकली द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट हैविंग अ मैकेनिक, अ फिक्स्ड मैकेनिक फॉर योर बाइक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे मेन, आप उस मैकेनिक को आपके कनेक्शन में रखें ताकि यू नो कभी भी आप प्रॉब्लम होता है उनके पास ही जाए। सो थोड़ा रिलेशन अच्छा रखना ज़रूरी है। मैकेनिक फॉर योर बाइक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज योर फैमिली डॉक्टर, हैविंग अ फैमिली मैकेनिक इज़ इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, अगर आप मुझे बोलते हो गाड़ी का फिट एंड फिनिश, सो आफ्टर 50,000 किलोमीटर आई थिंक फिट एंड फिनिश इज़ डिसेंट। मैं ख़राब बिल्कुल नहीं बोलूँगा, इनफैक्ट इट इज़ वेरी डिसेंट। बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है ऑब्वियसली, बिकॉज ये प्रीमियम कैटेगरी में आती नहीं है, बट फिट एंड फिनिश इज़ वेरी वेरी गुड। जैसे कि मैं आपको बताऊँगा अभी आफ्टर 50,000 किलोमीटर्स जो गाड़ी का यू नो हैंडल बार है, जो बटन्स है, इनफैक्ट ये आप देख सकते हो अभी भी बहुत अच्छे है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हॉर्न भी टकाटक चल रहा है। ये रहा मीटर, मीटर भी वैसा ही है, यू नो इट इज़ प्रिटी गुड। ये रहा हैंडल बार,
कोई डाग नहीं कुछ नहीं. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मेंटेनेंस दैट यू डू ऑब्वियसली. थोड़ा सा ये वेयर एंड टेयर तो हो ही जाएगा, यू नो कलर थोड़ा निकलता ही है, दैट इज़ नॉर्मल. यहाँ पे निकला है, ये रहे रिम्स, थोड़े बहुत ऑयल के टायर के डाग है, सो दैट इज़ नॉर्मल. ये रहा इंजन, ये रही फ्रेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट हैज़ बीन गुड टिल नाउ. कोई इंजन में भी यू नो कलर या कोरोजन हुआ नहीं है. सो इनफैक्ट वी लिव इन बॉम्बे, बॉम्बे का वेदर ये सब चीज़ों के लिए, मेटल के लिए बहुत ख़राब है, यहाँ पे जल्दी कोरोजन हो जाता है. बट ये बाइक का पेंट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है. आप देख सकते हो सामने का भी, यू नो इट इज़ ऑल गुड. सो नाउ वील टॉक अबाउट रिलायबिलिटी. वेल बहुत लोग बोलते हैं KTM रिलायबल नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि रिलायबल वही चीज़ होगी जिससे आप प्यार करते हो. अगर आप अपनी मोटरसाइकिल से प्यार नहीं करते, मोटरसाइकिल वोंट बी रिलायबल टू यू. अगर आप मोटरसाइकिल का ध्यान नहीं रखते, उसको टाइम टू टाइम खाना नहीं खिलाते, पानी नहीं पिलाते, जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं सर्विस की बात कर रहा हूँ, तो आपकी बाइक रिलायबल कैसे होगी. अभी आप देख सकते हो मेरे बाइक का पीछे का शॉकअप जा चुका है, पर नेक्स्ट राइड के पहले मैं वो ठीक करा लूँगा, नया रिप्लेस कर दूँगा. रिलायबिलिटी इस पर डिपेंड करती है. तो टचवुड टिल नाउ 50,000 किलोमीटर्स के बाद इतना मैंने गाड़ी चलाई है, 9 states में मैंने गाड़ी चलाई है, मुझे रिलायबिलिटी इशू आई डोंट थिंक कभी आया है. मुझे गाड़ी ने कभी धोखा नहीं दिया है, कुछ नहीं. आई ऑलवेज ट्रस्टेड माई मोटरसाइकिल एंड आई ऑलवेज हैड अ कॉन्फिडेंस कि ऐसा कुछ होगा नहीं. बट मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि ऐसा कभी हो नहीं सकता या किसी के साथ नहीं हो सकता, इसके साथ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. ये कभी भी हो सकता है, इट इज़ अ मोटरसाइकिल. बट ये आप रिड्यूस कर सकते हो थोड़ा सा ध्यान रख के अपने बाइक के, अपने मोटरसाइकिल पे, इसके मेंटेनेंस पे. बाकी तो मुझे नहीं लगता KTM ने मुझे आज तक, मेरी बाइक ने मुझे आज तक कोई धोखा दिया है. आपने तो देखा ही, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, मेरे हर राइड वीडियोस देखते हो, मेरी बाइक ने ऐसा कुछ इशू ऑन द राइड दिया नहीं है. हाँ कुछ कुछ इशू मुझे आए हैं, बट दैट आर इन द सिटी, जो मुझे पता चल जाता है कि ऐसा ऐसा है, तो मैं राइड के पहले ही वो रेक्टिफाई कर लेता हूँ ताकि राइड में कुछ इशू ना हो. सो रिलायबिलिटी की बात हो गई. अभी बहुत लोग पूछेंगे कि भाई इसका एवरेज कितना है अब आफ्टर 50,000 किलोमीटर्स. वेल मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा गाइज, मुझे हाईवे पे अराउंड 28 का एवरेज मोटरसाइकिल आराम से दे देती है. एंड इन सिटी आई थिंक द एवरेज इज़ प्रिटी डाउन. सिटी में मुझे आई थिंक 22 का एवरेज मिलता है, समटाइम्स इट इज़ लेसर दैन 20. सो नॉट टॉकिंग अबाउट द चेंजेस दैट आई हैव डन टू दिस मोटरसाइकिल. वेल मैंने एयर फिल्टर बॉक्स रिप्लेस किया है 2 बार, बिकॉज वो फैक्ट्री का डिफेक्ट था, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, क्रैक था. सो आप भी चेक कर लो, मैंने उसके वीडियो भी बनाए हैं. चेंज स्प्रॉकेट मैंने चेंज किए हैं. देन रिसेंटली मैंने बैटरी चेंज की है, आफ्टर लाइक 45,000 किलोमीटर्स मैंने बैटरी चेंज की है, बिकॉज इट वॉज गिविंग सम वियर्ड इशूज़, चालू नहीं होती थी जल्दी. सो मैंने बैटरी चेंज की है. एंड मैंने सामने का लाइट चेंज किया है, वो तो अच्छा ही था, पर मैंने उसको अपग्रेड कराया. देन टैंक, जो फ्यूल टैंक क्रैक हो गई थी, वो मैंने चेंज कराई है. 1600 फॉर द टैंक, वेरी चीप, डेड चीप. देन क्लच केबल मैंने चेंज कराई है. देन टायर्स मैंने चेंज कराए हैं. बोथ द टायर सेट कॉस्ट अराउंड 11,000 रुपीज़. बट देन मिशेलिन पायलट स्ट्रीट रेडियल इज़ वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट. बहुत लंबे चलते हैं. मेरे पीछे का टायर का 25,000 किलोमीटर के ऊपर हो गया है, सामने के टायर पे ऑलमोस्ट 20,000 हो जाएगा. स्टिल वर्किंग गुड, ऐसा लगता है कि उनकी आधी लाइफ भी नहीं हुई है. एंड ऐसे एक छोटा सा कैम शाफ्ट का इशू था, वो भी मैंने चेंज किया है. कैम जो एक इधर एक डिवाइस होता है, वो गाड़ी से खर 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 आवाज़ आ रही थी, सो मैंने वो चेंज कराया. दैट वॉज ऑल्सो नॉट दैट एक्सपेंसिव, आई थिंक 300 रुपये के आसपास, 400 रुपये के आसपास वो सोल्यूशन हो गया उसका. अभी हम बात करेंगे राइडेबिलिटी की, राइड के बारे में, राइड क्वालिटी के बारे में. ऐसा बोल सकते हो कि ये एक नेगेटिव पार्ट है ये वीडियो का. जब मैंने गाड़ी नई नई खरीदी थी गाइस, तब इसकी राइडिंग क्वालिटी वॉज सुपर्ब, आई मीन इट वॉज सुपर्ब. बट अभी अगर मैं कंपेयर करूँ आफ्टर 50,000 किलोमीटर्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा राइड क्वालिटी इसका हैम्पर हुआ है, बिकॉज इट इज़ अ सिंगल सिलेंडर एंड रिफाइनमेंट लेवल जो है ये मॉडल का, वो इतना नहीं है जितना अभी 2017-18 390 है. सो दिस इज़ अ BS3 मॉडल. इसका थोड़ा जो पावर है वो दैट इज़ अ रॉ पावर, दैट इज़ रफ पावर. सो बेसिकली गाड़ी चलाने में ऐसी स्मूथ नहीं है, मतलब इफ़ यू आर राइडिंग अ CBR और अ निंजा, आपको वैसा स्मूथनेस नहीं मिलेगा डेफिनेटली. ये थोड़ा जर्की पावर है एंड इट इज़ लिटिल रफ. सो राइड क्वालिटी आई थिंक थोड़ी सी कम हुई है, बट आई डोंट थिंक उसका कोई बड़ा इश्यू है. ऑब्वियसली गाड़ी कोई भी इतनी चली होगी, इतने इंटेंसिव चली होगी, तो उसमें ऐसा होता ही है. बट देन जस्ट आपको बताना था, सो मैं बता रहा हूँ कि ये एक नेगेटिव पॉइंट है अबाउट माय एक्सपीरियंस टिल नाउ 50,000 किलोमीटर्स लेटर. अभी हम करेंगे बात गाड़ी के इक्विपमेंट की, कुछ
मुझे प्रॉब्लम आई क्या वाइल्ड राइडिंग, इक्विपमेंट कुछ फेल हुए क्या, लेट्स टॉक अबाउट ABS। आज तक मुझे ABS ने काफ़ी अच्छा साथ दिया है, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आया है रिलेटेड टू ABS। रिलेटेड टू ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी चली है, सिर्फ एक चेन स्प्रॉकेट का इश्यू जो मैंने आपको बताया वो तो आते रहता है, चेन स्प्रॉकेट यू हैव टू चेंज आफ्टर 15,000 किलोमीटर्स मैक्स, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंडली इक्विपमेंट प्रॉब्लम मुझे नॉकिंग वॉकिंग ऐसा कुछ ज़्यादा आई नहीं है वेल राइडिंग, जस्ट एक बार आई है कैमशाफ्ट इशू था, वो मैंने इमीजिएटली उसको चेंज करा लिया, उसका वीडियो है, इफ़ यू आर फेसिंग द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू चेक आउट दैट वीडियो। ये सब जो मैंने मेरे बाइक के मेंटेनेंस की जो वीडियोज़ है उसकी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी आप लोगों के लिए, तो अगर आपको चेक करना है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा आपके बाइक में, तो मे बी माई वीडियो विल हेल्प। बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद वही था कि वो आपकी कुछ मदद कर पाए एंड काफ़ी लोगों की मदद हुई है। नाउ वेल टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑफ दिस मोटरसाइकिल, यहाँ पे मुझे लगता है कि KTM थोड़ा अच्छे से और काम कर सकती थी। क्वालिटी ऑफ द प्लास्टिक पार्ट्स आई थिंक इट इज़ नॉट दैट ग्रेट, मैं सीरियसली आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, आई विल गिव यू कपल ऑफ एग्जाम्पल्स। ये देखो ये अंदर से क्रैक हो चुका है एंड दिस थिंग इज़ लूज। वेल इसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देन ये आई थिंक 6-7 महीने से ऐसा है। चलो मैं मानता हूँ कि ये गाड़ी ऑफ रोडिंग गाड़ी नहीं है, पर मैंने इसको ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ किया है, बट स्टिल यार थोड़ा सा प्लास्टिक क्वालिटी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी होनी चाहिए थी। सो एनीबडी फ्रॉम KTM इफ़ यू आर वॉचिंग, प्लीज़ थोड़ा सा प्लास्टिक क्वालिटी इम्प्रूव कर दो। नाउ वेल टॉकिंग अबाउट द हीटिंग इशू, ड्यूक 390 फेमस है हीटिंग के लिए, इंजन हीटिंग, ऑब्वियसली हाई कंप्रेशन रेशियो इंजन है, 375 cc या जो भी मतलब उसके आसपास, सो हीटिंग ऑब्वियसली गाड़ी में है, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, बट देन वो मुझे सिर्फ पहले एक महीना जब गाड़ी खरीदी थी तभी मुझे ऐसा लगा था कि गरम गरम हो रहा है, उसके बाद मुझे आदत हो गई, सो नाउ आई डोंट थिंक आई हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। इनफैक्ट मैं जब भी राइड पर जाता हूँ सो आई वेयर राइडिंग पैंट, और उसकी वजह से मुझे हीट पता ही नहीं चलती। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सम पीपल, वाइब्रेशंस। वेल गाड़ी में मेरे वाइब्रेशंस ड्यूक 390 जो पहले वाली मतलब ये मॉडल थी ये थोड़ी सी वाइब्रेशन वाली थी बिकॉज रिफाइनमेंट लेवल इतना नहीं था। सो आफ्टर 50,000 किलोमीटर्स आई थिंक वाइब्रेशंस थोड़े से बढ़ गए हैं, आई एम नॉट सेइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बट थोड़े से बढ़ गए। डेफिनेटली वाइब्रेशंस इतने नहीं है जैसे रॉयल एनफील्ड में होता है, वैसा कोई वाइब्रेशन होता नहीं है। इनफैक्ट दिस बाइक इज़ वेरी वेरी स्टेबल एट हाई स्पीड्स एंड हाई रेविंग इंजन है, बट थोड़ा सा फुटपैक पे या यू नो इधर उधर थोड़ा सा आता है, दैट इज़ वेरी नेचुरल। बट देन एक जस्ट आपको हेडसअप बता रहा हूँ कि वाइब्रेशंस थोड़ा बहुत बढ़ गया है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। जैसे कि अभी सपोज़ गाड़ी गिर जाती है सो ये जो पार्ट है ये ब्रेक हो जाएगा, जैसे राजेश का हुआ था इन नेपाल राइड। सिमिलरली ये बहुत जनों का ये टूटा है, ये काफ़ी जनों का यहाँ पे चढ़ते चढ़ते टूटा है। सो आई थिंक ऐसी सब चीज़ों में थोड़ा बहुत क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बिकॉज दीज पार्ट्स अगर आप बीच राइड में ये टूट गया तो यार गेयर कैसे डालोगे, ब्रेक कैसे लगाओगे, यू नो दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन सेंस वाली थिंग्स, ये चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आई बीइंग वेरी वेरी केयरफुल ऑन रोड बिकॉज मुझे पता है कि ये गाड़ी क्या झेल सकती है क्या नहीं झेल सकती है, और उस हिसाब से मुझे ये गाड़ी चलानी पड़ती है, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम हो गया तो लग जाएंगे भाई सीरियसली। नाउ द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस मोटरसाइकिल दैट आई पर्सनली फेस इज़ फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक बहुत छोटा है, 11 लीटर का फ्यूल टैंक है, गाड़ी का रेंज 220 किलोमीटर तक गाड़ी चल जाती है, आफ्टर दैट आई हैव टू रिफ्यूल एनी वे पॉसिबल। थोड़ा सा टैंक रेज 300 तक होती तो चल जाता, 15 लीटर की तो टैंक होनी चाहिए थी यार, 11 लीटर इज़ वेरी लेस बिकॉज इसका माइलेज भी उतना नहीं है। प्लास्टिक पार्ट दिस हैंड गार्ड, कलर इनफैक्ट काफ़ी अच्छा है, सो कलर भी काफ़ी इंटैक्ट है गाड़ी का, कहीं पे भी कलर लॉस नहीं हुआ है। एज यू कैन सी ये गार्ड है, इस पर भी कलर वैसे के वैसा है। वेल दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ यू मेंटेन योर मोटरसाइकिल, बट जस्ट आपको एक बता रहा हूँ कि कलर गाड़ी का काफ़ी अच्छा है और ज़्यादा कुछ कलर में खामियाँ हुई नहीं है। ये 50,000 किलोमीटर का जो मैंने सार निकाला है इन दिस वीडियो, ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से है, मे बी किसी और का एक्सपीरियंस अलग हो, किसी का बहुत ख़राब हो, किसी का बहुत अच्छा हो, ये टोटली डायनामिक चीज़ है, किसी का अच्छा हो सकता है, किसी का बुरा हो सकता है, किसी का न्यूट्रल हो सकता है। सो दिस 50,000 किलोमीटर्स वेर अ ब्लिस फॉर मी, अब तक जो मैंने गाड़ी चलाई है बॉस आपको तो पता ही है कहाँ कहाँ मैं गाड़ी लेके गया हूँ और पॉसिबली लेके भी जाऊँगा।
कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं अपग्रेड करूँ नहीं करूँ, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, मे बी समडे आई विल डू इट, बट एज ऑफ नाउ मुझे ये बाइक ने एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गाड़ी पर अभी भी मैं चला सकता हूँ, 20-30 हज़ार 50 हज़ार भी चल जाएगी गाड़ी, नो प्रॉब्लम। बस थोड़ा मेंटेनेंस देखना पड़ेगा, थोड़ी गाड़ी अभी ओल्ड हो चुकी है, सो थोड़ा मुझे चेक करना पड़ेगा, हैव टू बी मोर केयरफुल, बट देन अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होएगा विद दिस गाड़ी, बिकॉज दिस लार्जली डिपेंड्स ऑन हाउ यू मेंटेन योर मोटरसाइकिल एंड कितने आप प्यार से उसको रखते हो। सो इफ़ यू आर अ मोटरसाइकिल राइडर, इफ़ यू आर अ व्हीकल एंथुजियास्ट, आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अपनी गाड़ी का अच्छा सा ध्यान रखें, उसको अच्छे से यू नो चमकाए, कंडीशन में रखें, मेंटेनेंस सर्विस ये सब करें, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी, 50,000, 60,000, 70,000, 1,00,000 आराम से चलेगी, अच्छे से चलेगी, नो प्रॉब्लम इन दैट। सो वेल, दिस वॉज 50,000 किलोमीटर्स रिव्यू ऑफ दिस मोटरसाइकिल, ओनरशिप रिव्यू, कम्प्लीट प्योर ओनरशिप रिव्यू, ये गाड़ी किसी को नहीं दी है, ये गाड़ी मैंने ही चलाई है, मेरे सामने ये गाड़ी खुली है, असेंबल हुई है, जो भी काम हुआ है सब मेरे सामने हुआ है, सो गाड़ी को मैंने कभी अकेला नहीं छोड़ा इन सर्विस सेंटर नॉर एनीवेयर, बिकॉज आई लव माई मोटरसाइकिल लाइक यू पीपल डू, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ लोगों को कुछ नया देखने को मिला हो, जानने को मिला हो, और जो नए बिगनर राइडर्स हैं जिसको बाइक लेनी है उनके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा हो। सो इफ़ यू लव दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन, एंड मेंटेनेंस का जो प्लेलिस्ट है वो आप चेक करो फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर मी, यू नीडेड, बिकॉज फॉर योर मोटरसाइकिल इज KTM Duke 390। वेल, आई हैव मेड एक्सक्लूसिव वीडियोज़ फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग मेंटेनेंस ये बाइक के बारे में, सो ज़रूर चेक करना, ये आपके लिए है, बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जो हमें पता नहीं होते कि कैसे उसको सॉल्व करें, बट अगर वीडियो मिल जाए तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है और मैं इस तरह से उसको सॉल्व कर सकता हूँ, खर्चा वर्चा सब आपको पता चल जाएगा पहले ही, प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले। अगर आप कुछ और कहना चाहते हो अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ KTM 390 और 200 और एनी अदर बाइक, आप वो भी शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में। एक और ड्रॉबैक है गाड़ी का, मैं भूल गया एक्चुअली बताना, दैट इज़ द सीट, इट इज़ पथेटिक फॉर लॉन्ग राइड्स, इसको आप कुछ ना कुछ जुगाड़ करके थोड़ा सॉफ्ट कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे नॉर्मल अपना कुशन लगाया है, और एनी आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट यू कैन डू दैट वुड बी वेरी यूजफुल, बट आई सजेस्ट कि ये कड़क वाले इस पर आप टूरिंग करना मतलब सोचिए ही मत। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑल इन ऑल ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद है, लव माई मोटरसाइकिल, अब तक मुझे बहुत अच्छा साथ दिया है और आगे भी भगवान करे कि साथ मिलता रहे आपका और इस मोटरसाइकिल का। वेल, इस मोटरसाइकिल ने हमारा चैनल शुरू किया है, इस मोटरसाइकिल ने हमारी राइड्स शुरू की है, प्रोफेशनल जो पूरा पहन के, हम पहले तो मैं करता था बट इतना प्रोफेशनल लेवल पर नहीं करता था, बट यू नो आफ्टर दिस मोटरसाइकिल केम माई लाइफ changed a lot. You know, when I was in my college, मेरा एक दोस्त था, वो दोस्त मेरा कहता था कि जब नई बाइक आती है ना तब किस्मत लेके आती है, दैट इज़ ट्रू। सो वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके जाना, मैं थोड़ा अभी एक राउंड मार के आता हूँ। चलो भाई, मैं तो जा रहा हूँ राउंड मारने, मिलता हूँ आपसे अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे, भटकते रहे, एंड राइड कमिंग वेरी वेरी सून।